Hi friends, welcome back to my channel Shornali Glamour Solution and as you know मैं हूँ Shornali. Friends, आप अगर मेरे channel में नहीं हैं तो मैं बता देती हूँ मैं हूँ Shornali and मैं mostly video बनाती हूँ DIY, beauty, fashion and makeup related video. तो friends, इस type की content को अगर आप पसंद करते हो तो मेरे channel को subscribe कर दीजिए and इसके बगल में एक bell icon है, छोटू सा bell icon, उसे भी click कर दीजिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए. तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो देख लेते हैं. सामने ही फेस्टिव सीजन आ गई है एंड सामने ही दुर्गा पूजा, नवरात्रि या दिवाली आने वाली है. उसके लिए हमें प्रिपेयर होना है क्योंकि उस टाइम हमें सुंदर दिखना है एंड सुंदर दिखाने के लिए हमें थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा. तो मैं आज सिंपल सा एक ट्रिक बताऊंगी, सिंपल सा एक रेमेडी बताऊंगी, जिसे आप यूज़ करके आपकी स्किन में अगर टैनिंग हो गई है, आप अगर थोड़ा सा निखर चाहते हैं, आप अगर थोड़ा सा ग्लो चाहते हैं, तो आज मैं जो रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी उसे आप इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. एंड फेस्टिव के लिए मैं तो इस रेमेडी को बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ खुद यूज़ करने के लिए एंड मेरा ये फेवरेट है. तो चलिए ज़्यादा बात ना करके उस रेमेडी को देख लेते हैं, कैसे यूज़ करना है, कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स हमें मिलाना है इस रेमेडी को बनाने के लिए. इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें फर्स्ट चावल का आटा चाहिए. उसके लिए हमें चावल को ग्रेट करना है. मैंने यहाँ राइस को ग्रेट करके राइस का आटा तैयार कर ली है. एशियन ब्यूटी रेजिम में राइस फ्लोर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है. इसके अंदर है नेचुरल एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ एंड ऑयल एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज़. ये ऑयली स्किन एंड एक्ने प्रोन स्किन एंड डार्क मैच्योर स्किन के लिए बहुत ही अच्छा एक इंग्रेडिएंट्स है. इसके अंदर है विटामिन बी जो स्किन सेल को रीजनरेट करती है एंड जिसके कारण रिंकल प्रिवेंट होती है एंड प्री मैच्योर एजिंग प्रिवेंट होती है. एंड ये इसके अंदर है एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ जो सन बर्न को रिड्यूस करती है एंड स्किन को व्हाइटनिंग करने में एंड स्किन स्मूथ करने में ये बहुत ही हेल्प करती है. दूसरा जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो है रॉ मिल्क. रॉ मिल्क के अंदर रहती है लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड स्किन टोन को लाइटन करने में हेल्प करती है, पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करती है, ड्राई स्किन को सॉफ्टर बनाने में हेल्प करती है एंड हाइड्रेट करती है स्किन को एंड सन बर्न को रिड्यूस करने में हेल्प करती है. रॉ मिल्क को आप कॉटन बॉल की हेल्प से नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं एज टोनर, एज क्लींजर. रॉ मिल्क बहुत ही अच्छा एक प्रॉपर्टीज है स्किन को लाइटन बनाने में एंड स्किन को सॉफ्टर बनाने में. थर्ड इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ कर रही हूँ हनी. हनी ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं. आपका अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप हनी यूज़ कीजिए. हनी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं एंड स्किन टोन को लाइटन करने में एंड स्किन में एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देती है. मेरी स्किन है कॉम्बिनेशन, इसके लिए मैं थोड़ा सा ही हनी यूज़ कर रही हूँ. आपके अगर ऑयली स्किन है तो आप हनी को स्किप कर सकते हैं. आपके अगर ड्राई स्किन है तो आप हनी को ज़रूर यूज़ कीजिए. इसे आपकी स्किन बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज होगी क्योंकि हनी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं एंड स्किन टोन को लाइटन करते हैं एंड स्किन में ग्लो लाते हैं. सभी इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से मिला के एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए. ये आपका फेस्टिव रेडी स्किन मास्क हो गई है. इसे आप अपनी क्लीन स्किन में अप्लाई कर लीजिए. कोई भी फेस पैक लगाने से पहले स्किन को क्लीन करना है. मैंने यहाँ स्किन को क्लीन कर ली है. अब मैं फेस पैक को स्किन में लगाऊंगी. इसे आप हफ्ते में 3 से 4 दिन यूज़ कीजिए एंड मैं 100% श्योर होकर कह सकती हूँ आप 7 दिन के अंदर डिफरेंस देख पाएंगे. मैं स्पून की हेल्प से फेस पैक को अप्लाई कर रही हूँ. ऐसे आप अप्लाई कर सकते हैं कोई भी फेस पैक को. आपके पास अगर ब्रश ना हो, फेस पैक लगाने के ब्रश ना हो, देन आप ऐसे ही फेस पैक को अप्लाई कर सकते हैं. मैंने अपनी पूरी फेस में फेस पैक को अप्लाई कर ली है. अब इसे 10 मिनट तक छोड़ना है. उसके बाद ठंडे पानी से इसे वॉश करना है. वॉश करने से पहले थोड़ा सर्कुलर मोशन में हमारी स्किन में मसाज करना है क्योंकि राइस फ्लोर फेस पैक के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा नेचुरल स्क्रबर है. तो इस फेस पैक की
हेल्प से दोनों काम ही बहुत अच्छे से हो जाएगी। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है एंड ये पहले से ज़्यादा निखरने वाली है, आप देख ही सकते हैं। एंड ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रही है। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को आप यूज़ कीजिए एंड मुझे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिली है, आपको भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, होप करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, एंड जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहे शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।